नमस्कार, मैं नीतू, स्वागत करती हूं आपका हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। जाली नोट माफिया के ऊपर झारसुगुड़ा पुलिस द्वारा हुआ पर्दाफाश। मार्च 12 तारीख झारसुगुड़ा पुलिस प्रशासन को एक गुप्त सूचना मिला था कि जिला में जाली नोट का प्रसार हो रहा है। इससे पहले भी झारसुगुड़ा पुलिस बनहरपली अंचल जाली नोट मामला का पर्दाफाश कर चुकी है। प्रशासन को मिली हुई ब्रिजराज नगर से सूचना के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कुछ जाली नोट का प्रसार किया जा रहा है। जाली नोट मामले में अभियुक्त मध्य प्रदेश शहडोल के रहने वाले रदम कुमार रजाक द्वारा, जो ब्रिजराज नगर रेलवे स्टेशन में क्लेरिकल के हिसाब से रेल कर्मचारी है। ये जाली नोट का केस झारसुगुड़ा ब्रिजराज नगर के SDPO दिलीप दास, नालिता मोदी थाना अधिकारी और SIP के स्पाई द्वारा और उनकी टीम की सहायता की मदद से पर्दाफाश किया गया, बोल के झारसुगुड़ा SCP विकास चंद्र दास ने कहा। झारसुगुड़ा एवं ये अंचल को किसी फेक करेंसी नोट प्रसार होची बोली हमर खबर आसला। एबे रिसेंटली मध्य बनहरपल्ली रे फेक नोट धरा हैतला एवं या परे काली ब्रजराज नगर रु किसी खबर आम मिलला जे लोक टंका नहीं कर आसछंती जो थरे इन्वॉल्व होचंते रेलवे एम्प्लॉय जे जहाँक नाँ होची रमन कुमार रजाक सी क्लरिकल हिसाब रे काम करछंती बापांक जगह रे वर्तमान काम करछंती ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन रे एवं सी अल्प से जेहेतु आमे तांको पाकुर जा सुनुतुलु जे से किसी लोन से करथिले जो लोन को सुझिया पाई से ये जो फेक करेन्सी जो माने प्रचार करू जो माने प्रसार करूछंती से माने नागपुर रु से माने बिलासपुर देकरी आसिकरी ए टंका देकी जाउछंती जा फले अल्प खर्च रे बहुत लाभ उठेबा नारे वर्तमान ये रमन कुमार रजाक 50-57 हजार टंका जहाँकि 114 खंड 500 टंका फर्ज नोट जोटा आमे तो बर्तमान कहीपरिया ना बर्तमान कितु जहाँ फर्ज नोट्र जिते गुड़िक तार सिम्बल्स अच्छी से गुड़िकु आम जापर एटा फर्ज नोट बोली तेणु यह परीक्षापी निश्चित भाव आगक जीव एवं 57 हजार टाँह सीज कराई। झारसुगुड़ा से हमारे संवाददाता सुमित शुक्ला की रिपोर्ट, CFI समाचार। I would really like to congratulate and welcome Communicative Foundation of India in Jamshedpur. I've come to know that they are starting from 1st of May and I look forward to positive and genuine news once again. Welcome CFI Jamshedpur. From entire Federal Bank family, I extend our warm greetings to all of you, to the entire channel. I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. थैंक यू सो मच। नमस्कार, CFI जमशेदपुर को मेरा बहुत बहुत बधाई। मैं TK सुकुमारन श्री कृष्ण मंदिर रेलको से बोल रहा हूँ। जमशेदपुर के बरीदीहा गुरुद्वारे में मंगलवार को 323वां खालसा पंथ सृजना दिवस परंपरा एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। मौके पर तखत श्री हरिमंदिर साहेब प्रबंधन कमेटी पटना के उपाध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह ने ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर बरीडीहा गुरुद्वारा के महासचिव सुखविंदर सिंह ने भी संगत को बधाई देते हुए वैसाखी का इतिहास रखा तथा कोविड के दूसरे दौर को मद्देनजर रखते हुए सावधानी बरतने का आह्वान किया। मौके पर सिख यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने भी अपनी बातें रखी। ग्रंथी बाबा निरंजन सिंह ने पाठ का भोग डालने के बाद पूरी सृष्टि के कल्याण की अरदास भी की। भाई मनप्रीत सिंह ने कीर्तन का दरबार सजाया। उसके उपरांत श्रद्धालु के बीच पैकेट लंगर का वितरण किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समूह संगत को आज बैसाखी की लाख लाख बधाई। आज ही के दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी। आज गेहूं की कटाई किसान शुरू करता है। आज बरेली गुरुद्वारा साहिब में बैसाखी के उपलक्ष्य में कीर्तन दरबार सजाया गया। संगत सुबह से ही पहुंचने लगी और कीर्तन दरबार में शामिल हुई। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए
हमने मास्क वितरण किया एवं सैनिटाइजर का प्रबंध किया, साथ साथ हमने जो लंगर की व्यवस्था थी वो पैक की ताकि लंगर को किसी भी तरह की भीड़ भाड़ में कोई परेशानी ना हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बैसाखी का पावन शुभ दिन है। ये पावन पर्व हम सिख इसलिए मनाते हैं, आज के दिन दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई जो सिखों के लिए बहुत ही प्रिय हुई। इन्होंने ऊंच नीच का फर्क जो है मिटा दिया। आज के दिन अपे गुरु अपे चेला गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले पांच प्यारों को अमृत छकाया, फिर पांच प्यारों से खुद भी अमृत छका, जिससे गुरु और चेले का एक प्रेम जो अपार सिख संगत को दिखा और सिक्खी की एक लहर वहाँ से चली। ये दसम गुरु में ऐसे गुरु कहलाए जो एक पिता के शहीद को भी और पुत्र के शहीद को भी इन्होंने देखा। मौके पर चेयरमैन मोहन सिंह, प्रधान जसपाल सिंह, सलाहकार सुरजीत सिंह खुशीपुर, झारखंड सिंह प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला, सुखविंदर सिंह गिल, जत्थेदार कुलदीप सिंह, अवतार सिंह, त्री सत्संग सभा प्रधान पीबी मंजीत कौर, जसपाल कौर, सुरजीत कौर सहित बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने गुरु दरबार में हाजिरी भरी। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार। वेलकम CFI, दे विल बी लॉन्चिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन हियर फ्रॉम 1st of May एंड आई होप एंड विश बेस्ट सक्सेस टू देम इन देयर एंडेवर। वेलकम CFI न्यूज़ टू जमशेदपुर, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन जमशेदपुर एंड होप फ्रॉम योर एंड वी विल गेट ऑल द न्यूज़ एंड हैपनिंग्स इन जमशेदपुर। थैंक यू। मैं दीपक सहाय, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखा। 24 घंटे के बैन का विरोध कर धरना पर बैठी ममता बैनर्जी ने मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण को लेकर दिया था बयान। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग चल रही है। भड़काऊ बयान पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था। इस बैन के विरोध में क्या है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी आज दे रही है। ममता बैनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी है और चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रही है। ममता बैनर्जी यहाँ व्हील चेयर पर ही धरना स्थल पर पहुँची। हिंदू मुस्लिम वोटों को लेकर दिए बयान पर चुनाव आयोग ने यह एक्शन लिया था, जिसके तहत ममता बैनर्जी सोमवार की रात 8 बजे से मंगलवार की रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगी। हालांकि ममता रात 8 बजे के बाद 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।